अगर आप मुंबई कर हैं या मुंबई जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल 1 अक्टूबर से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर से मुंबई में अब टैक्सी ऑटो रिक्शा में सफर करना महंगा हो जाएगा क्योंकि अब इनके किराए को बढ़ा दिया गया है। मुंबई में काली और पीली टैक्सी में सफर करने के लिए अब न्यूनतम किराया 28 रुपए और ऑटो रिक्शा के लिए 23 रुपए देना ही होगा। ऑटो का किराया 2 रुपए और टैक्सी का 3 रुपए बढ़ाया गया है। MMRTA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि नया किराया 1 अक्टूबर से लागू होगा। यही नहीं, मुंबई में लागू हुए किराए के नए रेट्स पेट्रोल के साथ साथ CNG से चलने वाली टैक्सियों के लिए भी लागू होंगे। वहीं शहर में चलने वाली ब्लू सिल्वर कूल कैब टैक्सियों के किराए को भी बढ़ाया गया है। इन कैब का न्यूनतम दूरी किराया 33 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। बता दें कि काफी दिनों से किराए में बढ़ोतरी को लेकर मुंबई में टैक्सी और ऑटो यूनियन हड़ताल कर रहा था, जिसके बाद महाराष्ट्र परिवहन सचिव की अध्यक्षता में MMRTA की बैठक में किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया।